नमस्कार दोस्तों। जैसा कि नीलकंठ जो टास्क है और 720 में 720 नंबर भी आए हैं, काफी काफी लोगों के आए हैं। कट ऑफ लगभग बता रहे हैं 640 650 से ऊपर बता रहे हैं। तो इस असमंजस में ना पड़ के हम जो लास्ट ईयर मेडिकल कॉलेज की रैंक वाइज कट ऑफ रही थी वो देखते हैं। मैं आपको जो राजस्थान की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं उनकी रैंक वाइज कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से नंबर से कट ऑफ डिसाइड करना तो काफी डिफिकल्ट हो चुका है। लेकिन जो रैंकें थी जिस मेडिकल कॉलेज की, लास्ट वाली रैंक जिस मेडिकल कॉलेज में लास्ट में कौन सी रैंक पे मिली है, उस हिसाब से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस रैंक तक अपना सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं राजस्थान की जितनी भी मेडिकल कॉलेज है उनकी लास्ट कट ऑफ रैंक, ठीक है? आइए सबसे पहले देखते हैं SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। इसमें ये यहाँ से कैटेगरी वाइज रैंक दे रखी है और इस रैंक पे जो मार्क्स थे वो दे रखे हैं, ठीक है? अब देखते हैं जो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर है उसकी जनरल में 3,262 रैंक पे लास्ट कट ऑफ रही थी। OBC में 3,286 नंबर थे, 667 इक्वल थे। EWS में 4,568, MBC में 7,192, SC में 39,665 और ST में 39,209 लास्ट क्लोजिंग रैंक रही थी SMS जयपुर की कट ऑफ। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं। आप कमेंट करके बताओगे कि ये जो लगभग अब 3,000 या 4,000 रैंक के आसपास से जो बंदा है उसके कितने नंबर आ रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि SMS की कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार। ओके, नेक्स्ट है अपनी SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर। इसका देखते हैं जनरल की 6,244 रैंक, OBC 6,823, EWS 9,483, MBC 11,234, SC 57,811 और ST 87,737 क्लोजिंग रैंक रही थी और इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे नंबर रखे होंगे। अब देखते हैं SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। इसकी जनरल के लिए 6,863 क्लोजिंग रैंक रही थी, OBC के लिए 7,132, EWS के लिए 8,337, MBC के लिए 24,900, SC के लिए 64,052, ST के लिए 92,659 क्लोजिंग रैंक रही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं GMC सीकर, मतलब मेरी वाली मेडिकल कॉलेज। क्लोजिंग रैंक जनरल के लिए 9,625, OBC के लिए 9,769, EWS के लिए 10,646, MBC के लिए 20,066, SC के लिए 73,483 और ST के लिए 85,258 क्लोजिंग रैंक रहती है। नेक्स्ट अपनी GMC झालावाड़। झालावाड़ क्लोजिंग रैंक 10,345, OBC के लिए 11,352, EWS के लिए 13,146, MBC के लिए 28,317 और SC के लिए 78,825, ST के लिए 9,603, 2,423 में क्लोजिंग रैंक रही थी। देखते हैं GMC अजमेर के लिए, यहाँ पे जनरल के लिए 7,942, OBC के लिए 8,373, EWS के लिए 9,924, MBC के लिए 26,913 और SC के लिए 63,040, ST के लिए 28,905 क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर। RNT उदयपुर की कटऑफ देखते हैं, जनरल के लिए 7,713, OBC के लिए 8,321, EWS के लिए 9,707, MBC के लिए 23,709, SC के लिए 62,571, ST के लिए 80,824 लास्ट ईयर कटऑफ हुई थी, लास्ट ईयर क्लोजिंग रेट हुई थी। जेएमसी चूर के लिए देखते हैं, जेएमसी चूर की कटऑफ है जनरल के लिए 12,174 क्लोजिंग रेट, OBC के लिए 13,039, EWS के लिए 13,039, EWS के लिए 14,660, MBC के लिए 26,042, SC के लिए 83,440, ST के लिए 1,05,997 क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर। नेक्स्ट है GMC कोटा, इसके लिए जनरल के लिए 9,279, OBC के लिए 9,635, EWS के लिए 11,318, MBC के लिए 17,757, SC के लिए 73,786 और ST के लिए 85,234 लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट GMC बाड़मेर के लिए, बाड़मेर के लिए क्लोजिंग रैंक थी 13,980 जनरल के लिए, OBC के लिए 14,233, EWS के लिए 17,754, MBC के लिए 27,374, SC के लिए 28,616 और ST के लिए 1,24,372 लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रहती है। यदि आपकी रैंक 1,24,000 या 1,25,000 के आसपास है तो इस मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि हर साल सीटें इंक्रीज होती हैं, इस बार काफ़ी सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो जैसे आपके जैसे लास्ट ईयर 596 पे 1,24,372 रैंक थी, तो नंबर तो इस बार काफ़ी हाई होंगे। इस ये जो रैंक है तो लगभग 520-530 या फिर इससे ज़्यादा। आप कमेंट करके बताना कि 1,24,000 1,25,000 के आसपास जिसकी भी रैंक है उसके कितने नंबर आए हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि ये जेम्स डिपार्टमेंट की एसटी तो कितने रहने वाली है। जनरल के लिए 13,980 है तो 630 नंबर पर थी, 1,40,000 किस नंबर पर रैंक आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, नेक्स्ट अपना GMC भरतपुर। जनरल के लिए 12,714, OBC के लिए 13,040, EWS के लिए 14,439, MBC के लिए 24,461, SC के लिए 97,063 और ST के लिए 93,312 लास्ट ईयर क्लोजिंग रेट रही थी।
नेक्स्ट अपने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज को देखो, ध्यान दे दोस्तों कि जो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है इसकी फीस काफी हाई है। तो आप पहले गवर्नमेंट सीट की भी फीस हाई है, तो आप पहले जब चॉइस फिलिंग करो तो सारी कॉलेजों के फीस देख लेना कि कौन सी कॉलेज की गवर्नमेंट सीट की कितनी फीस है। ऐसा ना हो कि आपको अलॉट हो जाए बाद में, आपको जो फीस स्ट्रक्चर पता चले फिर आप उसका कैंसिलेशन करवाओ, अगर वो सब एक अलग प्रोसेस हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप काउंसलिंग कराओ काउंसलिंग के टाइम पे, तो किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवा लें। जैसे कि सीकर में है स्टूडेंट पॉइंट काउंसलिंग सेंटर CNC के पास में, तो वहाँ से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। अभी आप काउंसलिंग करवाओ तो फीस स्ट्रक्चर जरूर देख लेना। जैसे कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है इसकी फीस हाई है, जैसे कैटेगरी जनरल के लिए जिसकी इसकी लास्ट क्लोजिंग रेट रही थी 12,246, ओबीसी के लिए 15,215, ईडब्ल्यूएस के लिए 13,652, एससी के लिए 12,460, एसटी के लिए 97,526 लास्ट क्लोजिंग रेट रही थी। नेक्स्ट अपना जेएमसी पाली ऑल इंडिया रैंक 11,326 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 19,520, ईडब्ल्यूएस के लिए 24,178, एमसी के लिए 20,983, एससी के लिए 91,160 और एसटी के लिए 107,634 लास्ट क्लोजिंग रेट रही थी जेएमसी पाली की। नेक्स्ट है जेएमसी डूंगरपुर, इसके लिए क्लोजिंग रेट आप देखते हो जनरल के लिए 15,124, ओबीसी के लिए 15,942, ईडब्ल्यूएस के लिए 17,523, एमसी के लिए 32,129, एससी के लिए 92,48 और एसटी के लिए 123,513 लास्ट क्लोजिंग रेट देखो। नेक्स्ट है जीएमसी भीलवाड़ा 12,058 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 12,137, ईडब्ल्यूएस के लिए 13,920, एमसी के लिए 30,024, एससी के लिए 83,211 और एसटी के लिए 98,207 जनरल के लिए 14,156, ओबीसी के लिए 14,653, ईडब्ल्यूएस के लिए 14,672, एमसी के लिए 23,432, एससी के लिए 12,289, एसटी के लिए 114,303 क्लोजिंग रेट रही थी लास्ट ईयर। नेक्स्ट अपना जीएमसी सिरोही, इसके लिए जनरल के लिए 15,955, ओबीसी के लिए 16,084, ईडब्ल्यूएस के लिए 16,674, एमसी के लिए 29,674, एससी के लिए 93,249 और एसटी के लिए 122,573 लास्ट ईयर क्लोजिंग रेट रही थी। नेक्स्ट है जीएमसी श्रीगंगानगर, जनरल के लिए 13,322, ओबीसी के लिए 14,87, ईडब्ल्यूएस के लिए 17,99 और एमबीसी के लिए 23,754, एससी के लिए 94,058 और एसटी के लिए 125,170 लास्ट डेट क्लोजिंग रेट रही थी। नेक्स्ट अपना जीएमसी अलवर, इसके बाद जनरल के लिए 17,004, ओबीसी के लिए 15,209, ईडब्ल्यूएस के लिए 16,943, एमबीसी के लिए 20,916, एससी के लिए 91,674 और एसटी के लिए 115,732 लास्ट डेट क्लोजिंग रेट रही थी। नेक्स्ट जीएमसी दोसा, इसके लास्ट डेट क्लोजिंग रेट 14,904, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 15,807, ये ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 16,097, एमबीसी के लिए 23,826, एससी के लिए 92,585 और एसटी के लिए 119,913 लास्ट डेट क्लोजिंग रेट रही थी। नेक्स्ट अपना जीएमसी बूंदी, जीएमसी बूंदी के लिए है जनरल के लिए 16,895, ओबीसी के लिए 18,043, ईडब्ल्यूएस के लिए 19,275, एमबीसी के लिए 24,418, एससी के लिए 95,929 और एसटी के लिए 1,00,000, एसटी 116,895 क्लोजिंग रेट रही थी लास्ट डेट 2023। जीएमसी धौलपुर के लिए जनरल के लिए 15,999, ओबीसी के लिए 16,661, ईडब्ल्यूएस के लिए 17,725, एमबीसी के लिए 32,686, एससी के लिए 98,715 और एसटी के लिए 115,653 लास्ट डेट क्लोजिंग रेट रही थी। नेक्स्ट है अपना जीएमसी करौली, जीएमसी करौली के लिए रैंक लास्ट ईयर जनरल के लिए ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रेट थी 17,487, ओबीसी के लिए 18,282, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,125, एमबीसी के लिए 28,459, एससी के लिए 98,201 और एसटी के लिए 123,321 लास्ट ईयर क्लोजिंग रेट रही थी। जीएमसी हनुमानगढ़, ये जो नई वाली मेडिकल कॉलेज थी, इसके लिए है जनरल के लिए क्लोजिंग रेट 16,812, ओबीसी के लिए 17,905, ईडब्ल्यूएस के लिए 19,350, एमबीसी के लिए 30,004, एससी के लिए 96,705 और एसटी के लिए 130,102 लास्ट ईयर क्लोजिंग रेट रही थी। नंबर थे 479। इस बार आप कमेंट करके बताओगे कि 130,000 के आसपास जिस भी बंदे की रैंक है उससे कितने नंबर आ रहे हैं, उससे तो उससे पता चलेगा कि हाँ इस रैंक के आसपास कितने नंबर है, तो कितने नंबर तक ये मेडिकल कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की गवर्नमेंट सीट की जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी, वो रैंक वाइज बताई मैंने सारी, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज क्लोजिंग रैंक थी वो सारे डेटा मैंने आपको बताए हैं। अब
उस रैंक से यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आप उस मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है आप उसमें देख लीजिएगा पूरी वीडियो में जहाँ पे वो आपका मेडिकल कॉलेज आता है। मैंने ये वीडियो जो क्लोजिंग का रैंक थी उसके हिसाब से बनाया है। नंबर तो इस बार मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे 16,812, पिछली बार जो 623 नंबर जिस बंदे की थी उसकी रैंक थी 16,812, लेकिन 16,812 इस बार शायद 650-660 के आसपास होगी। और यदि कन्फर्म बताएंगे 16,000 के आसपास कितने नंबर पे ये रैंक आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों सारे मेडिकल कॉलेज जिनकी लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक मैंने आपको बताई है उसी हिसाब से इस साल की कटऑफ रहने वाली है, क्योंकि इन मेडिकल कॉलेज में जो सीट है ये फिक्स है। हाँ, हालांकि राजस्थान में कुछ नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और उनकी भी जो सीट इंक्रीज हुई है तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके आसपास ही सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है इस बार भी। तो आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उस हिसाब से आप अपने रैंक देख लीजिए और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा ये भी आप आइडिया लगा सकते हो राजस्थान में। यदि आपको राजस्थान में अलॉट नहीं हो रहा है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा सकते हो। काउंसलिंग आप किसी अच्छे काउंसलर से करवाइएगा, क्योंकि कभी कभी काउंसलिंग में गड़बड़ी होने के कारण भी हम अपने एक साल बर्बाद कर सकते हैं, अपनी इतनी मेहनत खराब हो सकती है, क्योंकि जो अपनी चॉइस फीलिंग होती है काउंसलिंग करने का तरीका होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अपने को एक अच्छा कॉलेज मिले और एक बेहतर कॉलेज मिले उसके लिए अच्छे से काउंसलिंग करवाना चाहिए हमें, और किसी ट्रस्टेड काउंसलर से काउंसलिंग करवाना हो। तो यदि आपको काउंसलिंग कराना है तो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो और काउंसलिंग की डिटेल ले सकते हो।